ईद शॉपिंग अधूरी रह गई। सिंध में भी लॉकडाउन लग गया, आज से कारोबार बंद। 16 मई तक मार्केटें खोलने पर पाबंदी। दूध दही की दुकानें और बेकरियां रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। अशियाई जरूरी समेत ग्रॉसरी स्टोर, सब्जी, गोश्त, फल की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6 बजे तक काम की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो स्पीडो बस सर्विस मुअत्तल कर दी, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बंद कर दी। मास्क क्यों नहीं पहना? अनारकली बाजार लाहौर में पुलिस का लाठी चार्ज। अहलकारों के साथ एसएचओ ने भी शहरियों पर डंडे बरसा दिए। शहर में खिलाफ वर्जियों पर 266 मुकदमात। मुल्तान में खिलाफ वर्जी पर 50 कारोबारी बराकर सील, दो गिरफ्तार। पेशावर में वायरस की दावत आम, मकामी स्विमिंग पूल नौजवानों से भर गया। एसओपीज का जनाजा निकल गया। कोरोना से अम्बात और नए मरीज, वायरस का अफरीत, एक रोज में 118 जाने निकल गया। 3785 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रही। NA 249 दोबारा गिनती भी फाते। पीपी अब्दुल कादर मंदोखेल के वोट बढ़कर 15656 हो गए। मिफ्ता इस्माइल को 909 वोटों से शिकस्त। सईद गनी का जारे तशक्कुर, बोले पहले ही कहा था हक और सच की जीत होगी। मुर्तजा वहाब की कादर मंदोखेल को जीत पर मुबारकबाद। ईद से कबल मुर्गी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में ब्रायलर का नर्ख 400 की दहलीज पर, 7 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो हो गया। आरेवाला में 480 रुपए किलो तक रेट। कराची में मौसम गर्म, अंदरूनी सिंध सूरज सवा नीजे पर। दादू में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। ईद का चांद 13 मई को नजर आएगा, ईद उल फितर जुमे को होगी। हिलाल ईद का हतमी ऐलान रुएते हिलाल कमेटी करेगी। विफाक के वजीर इतलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मगफिरत का खजीना, कबूलियत की राज, आज शबे कदर। मसाजिद और घरों में महाफिल खत्म कुरान, महाफिल शबीना का एहतमाम। फरजंदान इस्लाम अशकों के रिमझिम में मगफिरत की मनाजात बारगाह मौला में पेश करेंगे।